हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आजकल हिंदी में अंग्रेजी शब्दों की घुसपैठ हिंदी प्रेमियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हिंदी भाषा की इसी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय के सहयोग से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा शनिवार को राजधानी दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेजी शब्दों के अपमिश्रण पर चिंता जताते हुए मीडिया से भाषाई सुधार पर ध्यान देने की अपील की। जब मैं भाषा की शुद्धता की बात करती हूँ तो केवल हिंदी की बात नहीं करती, आज सभी भारतीय भाषाएं इसका शिकार हो रही हैं। अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और हमारी चिंता मेरी ये है कि वो हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाएं जिन्हें इस चिंता का समाधान करने का काम करना चाहिए वही चिंता को बढ़ा रही है। इस मौके पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय ने एक महीने तक देश के 8 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों के संस्करणों में छपे अंग्रेजी भाषा के 15,737 शब्दों को चिन्हित कर एक मूल्यांकन रिपोर्ट भी पेश की। 12 समाचार पत्रों के और लगभग 600 अंकों का एक विश्लेषण किया और उसमें अंग्रेजी के शब्दों को चिन्हित किया, तो कुल मिलाकर के 15,000 कुछ शब्द आए ऐसे। उन 15,000 शब्दों को हमने 3 विद्वानों को दिया जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अच्छे विद्वान थे, और उनसे उसका आंकलन कराया कि इन शब्द का प्रयोग हिंदी मीडिया में यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए, उचित है या अनुचित है। विदेश मंत्री ने कहा कि देश और दुनिया में करोड़ों लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली हिंदी भाषा को देश के हिंदी मीडिया द्वारा ही उपेक्षित किया जाना निराशाजनक है। संगोष्ठी में मीडिया जगत के शीर्ष संपादकों और पत्रकारों ने खुलकर अपने विचार रखे। हिंदी भारत की पुरातन गौरव रूपी संपर्क भाषा रही है, जो न केवल देश की विविध सांस्कृतिक रचनाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है, बल्कि भाषाई मूल्यों की प्रवाहता के जरिए राष्ट्र की विविधता में एकता के दर्शन भी करवाती है। लेकिन बदलते दौर में एकात्म भारत की संपर्क भाषा मानी जाने वाली हिंदी में अंग्रेजी के अपमिश्रण से न केवल भाषाई विपन्नता पैदा हुई है, बल्कि हिंदी की पुरातन रूपी समृद्ध विरासत पर संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ OP यादव, DD News, दिल्ली।